लखनऊ पारा थाना के हांसखेड़ा तिराहे पर 70 वर्षीय मीना सिंह बुजुर्ग की हत्या की बड़ी घटना। बेटी दामाद मोहल्ले निवासियों ने दरवाजा तोड़ा, जब देखा तो 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला खून से लथपथ कमरे के अंदर फर्श पर पड़ी थी। बुजुर्ग के गले में दुपट्टा फंसा हुआ था, कमरे के अंदर फर्श पर खून बह रहा था। वहीं दामाद विनय सिंह ने 112 पर कॉल किया, लेकिन 112 पुलिस एक घंटे बाद आई। दामाद विनय सिंह ने थाना पारा पुलिस को भी सूचना दी, मगर विनय सिंह के मुताबिक पुलिस घटना के वक्त रात भर नहीं आई। थाना पारा पुलिस सुबह के टाइम घटना पर पहुंची। बुआ और फूफा ने बयान दिए। पोते जय सिंह ने अपनी सगी दादी की हत्या की। 70 वर्षीय मीना की हत्या उसके पोते ने की। मृतक मीना सिंह की बेटी शालिनी सिंह दामाद विनय सिंह आशियाना में था। मोहल्ले वासियों ने बताया कि उनकी सास अंदर बंद है, काफी देर से दरवाजा नहीं खुल रहा है। मेरा नाम शालिनी सिंह है। शालिनी सिंह, जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला खत्म हुई है, क्या मामला था? वो उनका पोता जो था खाता पीता था, मारपीट करता था उनसे। क्या नाम था पोते का? जय सिंह। जय सिंह, आप कौन लगती हैं उनकी? हम उनकी बुआ लगते हैं। नहीं, उनकी बुआ लगती हैं जो खत्म हुई है। वो मेरी मम्मी थी। वो अपने आप खत्म हुई है या कोई घटना? घटना घटी, उनको मारा गया है। किसने मारा? उनके पोते ने मारा है। अच्छा, आगे बताइए। क्योंकि वो कल सुबह धमकी दे के गया था कि हम तुमको मार ही डालेंगे। क्यों धमकी दे के गया था? क्योंकि आप कूलर लेने आया था सुबह 8 बजे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, अपने भतीजों के नाम पैसा कर दो, उनको भी मार डालेंगे, तुमको भी मार डालेंगे। ऐसा क्यों बोलता था? खाली कूलर इसलिए बोलता था कि जो है हमारी भाभी ने जो है अभी शादी, आदमी खत्म हो गया था भाभी का, तो उन्होंने अभी शादी की है किसी वर्मा से। अच्छा। तो जितनी प्रॉपर्टी, तो वो दुकान खोली है, इधर उधर दुकान खोला मांगता था तो वो देती नहीं थी, तो वो करता था, इनके ऊपर हमला किया था। अच्छा, ये बूढ़ा है कितने? 68 साल। क्या नाम था इनका? मीना सिंह। मीना सिंह की मम्मी थी। तो जो पोता जो था उनका, ये प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करता था, क्या करता था? प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करता था। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये जिसमें खड़ी हैं आप? ये वाली? इनकी गोपालखेड़ा की, और ये जो TSM के पास में, और ये जो जो अपने पोते के नाम की थी उस प्रॉपर्टी कहता था हमारा हिस्सा। नहीं, जो पोते के नाम कर दी तो क्यों विवाद करेगा? विवाद इसलिए किया था, उन्होंने भी नई नई शादी की थी तो सारी प्रॉपर्टी वो उनके ऊपर खर्चा करे दे रही थी, दादी को मारता था इसीलिए। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी? मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, यही हमको जमीन दी थी तो जमीन पर मकान बनवाया है हमने। अच्छा, जमीन हमको दी थी बस खाली। तो आपका मतलब ये है सीधा आरोप कि उसी ने? हाँ, क्योंकि वो हमको भी मार के गया है, इनका भी सर फोड़ के गया है। जो लोग बंधु ले गए, कितने टाइम लोग बंधु ले गए थे? हम तो ड्यूटी पे थे। नहीं, कौन ले गया था लोग बंधु? लोग बंधु दरवाजे पीट पीट के हार, ये देखिए हमारे रिकॉर्डिंग भी है। नहीं, आप बताइए रिकॉर्डिंग बाद में दीजिए, पहले बताइए। फिर हमने सत्संग वाली दीदी को फोन मिलाया, 2-4 दिन से सत्संग जी आती थी, तो वही हमने कहा कि सत्संग गई होंगे, उनको तो फोन नहीं उठा रहे। नौकर वाली भाभी से कहा 11 बजे सत्संग से आएंगी, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो पता चला कि 12 बज गए, नहीं आए। फिर हमने इनको फोन किया, हमने कहा तू अपना काम छोड़ करके जल्दी आ, जब ही आए तो दरवाजा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।